एक गीत है सुने आपके नाम कि वीर जवानों ने अपने सीने में गोली खाई थी ओ तब 1947 में जा आजादी पाई थी तब 1947 में जा आजादी पाई थी में शासन नहीं कुशासन था जात पात और ऊंच नीच थी छुआछूत की बीमारी शिक्षा का अभाव था भारी भूख प्यास की लाचारी शिक्षा का अभाव था भारी भूख प्यास की लाचारी जमींदारी पर पाटी थी थे राजन के ठाट निराले सुरा सुंदरी और शिकार रहते मस्त सदा महलों में जनता थी बेबस लाचार रहते मस्त सदा महलों में जनता थी बेबस लाचार राजा और रजवाड़े थे कुछ राजाओं को छोड़कर अधिकांशता राजा सुरा माने शराब सुंदरी कोई सुंदर औरत लाके उनकी व्यवस्था कर दो राजा प्रसन्नम तो जमीन ले फेत एक जोत ले ये व्यवस्था थी राजा महाराजाओं का था चारित्रिक जब पतन हुआ 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तब भारत में आई थी फूट देख कर राजाओं की फूली नहीं समाई थी फूट देख कर राजाओं की फूली नहीं समाई थी लूट मचाई अंग्रेजों ने फूट कलिया सहारा था एक राजा को साथ दिया दूजे राजा को मारा था धीरे धीरे सब रियासतें हंसती गई सिकंजे में वो चलने लगी हुकूमत उनकी देश था उनके पंजे में चलने लगी हुकूमत उनकी देश था उनके पंजे में काय बकरवा रहा है अंग्रेजों के आगमन के लगभग 75 साल बाद लगभग 75 साल बाद झांसी मंडला नागपुर सितारा रामगढ़ इत्यादि में विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति हमारे सम्मानीय पाल साहब जो कि बीयर के ठेकेदार साहब हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो झांसी वाली रानी के संग जंग लड़ी झलकारी थी और भारत भर में क्रांति की धधक उठी चिंगारी थी हुई शहीद लक्ष्मी बाई और अवंती बाई थी तब 1947 में जा आजादी पाई थी तब 1947 में जा
देश 1857 में ही आजाद हो जाता। दगा किया था कुछ अपनों ने, जीती बाजी हारी थी, शांत हो गई थी भारत में, गूंजी जो किलकारी थी, लूट मचाई तब बैरी ने, गांव के गांव जलाए थे, पकड़ पकड़ करके पुरुषों को पेड़ों पर लटकाए थे, पकड़ पकड़ करके पुरुषों को पेड़ों पर लटकाए थे। उस समय इलाहाबाद के आसपास शायद ही कोई ऐसा पेड़ हो जिस पर किसी ना किसी अभावे की लाश न लटक रही हो। अंग्रेजों ने हमारे जो नौजवान साथी थे उन्हें फांसी पर लटका दिया था, माताओं बहनों की इज्जत लूटी। अरे आशा टूटी आजादी की, अपनी किस्मत फूटी थी, लाखों माताओं बहनों की इज्जत उन्हें लूटी थी, लाखों बहने मरी कुओं में, अपनी लाज बचाई थी, तब 1947 में जा आजादी पाई थी, तब 1947 में जा आजादी पाई थी। लाखों करोड़ों लोगों की जानें दबी हुई हैं, लाखों लोगों का खून इस मिट्टी में सना हुआ है, तब हम और आप आज स्वतंत्र रूप से गा रहे हैं, बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और देखिए आप, अरे वो अंग्रेज किसानों की भी चौथ तिहाई वसूलते, आज जो हम कहते ना कि चौथ, सब किसान जाना चौथ तिहाई, आज का नहीं लगा जा, उस समय लगती चौथ का मतलब हो तो, अगर तुम्हारे पास चार बोरा अनाज हो तो तीन बोरा नहीं एक बोरा अनाज सरकार को देना। तिहाई का मतलब था अगर आपके पास तीन बोरा अनाज हो तो एक बोरा सरकार को देना, चाहे तुम्हारे मोड़ मोड़ खावे बचे चाहे नहीं, उसे कहते तिहाई। अरे वो अंग्रेज किसानों से भी चौथ तिहाई वसूलते, चौथ तिहाई ना दई तो छाती में खंजर हुलते, मंगल पांडे तात्या टोपे जैसे वीर शहीद हुए, राजगुरु सुखदेव और बट केशव दत्त शहीद हुए, राजगुरु सुखदेव और बट केशव दत्त शहीद हुए। कि अशफाकुल्ला खा उधम सिंह अपनी जान गवाई थी, और भगत सिंह आजाद चंद्र से घर ने जान लुटाई थी, वीर सुभाष चंद्र बोस ने कटकर लड़ी लड़ाई थी, तब 1947 में जा आजादी पाई थी, तब 1947 में जा आजादी पाई थी। छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश सेना घबराई थी, 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश सेना घबराई थी, और बॉस की फौज देख करके ब्रिटिश सत्ता थर्राई थी, गांधी जी और लोहे पुरुष की शिवम बड़ी चतुराई थी, तब 1947 में जा आजादी पाई थी।
1947 में आजादी पाई थी।